हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रियलिस्टिक बॉडी टेक्सचर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको ब्लेंडिंग एंड शेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स सी, सबसे पहले फोटोग्राफ को कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट में। मैं पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद एक ऐप है गैलरी के नाम से, तो उसमें आप फोटोग्राफ को कितना भी जूम कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको मेज़र करते हैं पेपर के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टली तो ये 21 सेंटीमीटर है एंड वर्टिकली ये 30 सेंटीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्केल का यूज़ करके इसको मेज़र करना है। आपको जितना भी ड्रॉ करना है आप उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लो स्केल का यूज़ करके। पेपर के साइज से थोड़ा छोटा स्केच होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये अब सही है, इसको आप मेज़र कर सकते हैं इसी तरह से। एंड इतना ही रहने दीजिए इसको आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। एंड अब मैं एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ फ़ोन को, ताकि किसी कॉल वगैरह ना आए एंड ये ख़राब ना हो जाए। तो अब इसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं एक ही बारी में। सो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ आउटलाइन ड्रॉ करना। आपने एक एक पार्ट को अच्छे से मेज़र करके फिर आउटलाइन ड्रॉ करनी है। मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 मैकेनिकल पेंसिल। आज मैं थोड़ी डार्क आउटलाइन बनाऊँगा, क्योंकि मैं 0.3 वाली जब मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ करता था तो उससे काफ़ी लाइटली लगती थी, तो आज मैं 0.5 का यूज़ कर रहा हूँ। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड ये आउटलाइन वाला पार्ट है जो, ये रियल टाइम में नहीं है, बट मैं आपको जब शेडिंग करूँगा तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत आपको रियल टाइम में दिखा दूँगा कि किस तरह से मैं शेडिंग करूँगा एंड किस तरह से मैं ब्लेंडिंग करूँगा। आउटलाइन बनाने में मुझे लगे 40 मिनट्स। सो अभी इसको देखते रहो एंड इसके बाद शेड करते हैं इसको।
आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद एक बार मेजर कर लो कि उतना ही ड्रॉ हुआ है, उतने ही पार्ट उतने ही सेंटीमीटर में ड्रॉ हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो अब मैं टेप का अप्लाई कर रहा हूँ स्टेबल रहने के लिए, ताकि ये हिले ना जब इसको शेड करेंगे हम। अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी लाइटली। रेफरेंस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेशर को अप्लाई करना है एंड काफ़ी लाइटली शेड करना है। अभी तो ये रियल टाइम नहीं है, बट अभी मैं दिखाऊंगा आपको रियल टाइम में भी। सो अभी आप देखते रहो कि मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल का, क्योंकि यहाँ पे डार्क है तो मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डेप्थ है जहाँ पे बिल्कुल डार्क है। अब मैं फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एनी रियल टाइम में है, तो आप देख लो मैं किस तरह से शेड कर रहा हूँ काफ़ी स्लोली। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ अपने ड्राइंग्स में, तो आपको बिल्कुल स्लोली शेड करना पड़ेगा बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करके। स्लो शेड करने से ही स्किन का टेक्सचर रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाता है, उस पर रियलिस्टिक ब्लेंड हो पाता है, तो आपने इस तरह से करना है। अब तो मैंने वीडियो फास्ट कर दी, तो आप देख लो काफ़ी स्लोली शेड कर रहा हूँ मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके। आप इससे लाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका स्केच है जो वो लाइट है। तो फेस के लिए मैं यही मेथड का यूज़ करता हूँ, काफ़ी स्लोली शेड करता हूँ 2B पेंसिल या फिर HB पेंसिल का यूज़ करके। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टंप इसको ब्लेंड करने के लिए। अब फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी लाइटली शेड करने के लिए। एंड अब इसको ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। अब डार्क शेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल, तो आपको यही देखना है कि कहाँ पे लाइट शेडिंग है कहाँ पे डार्क है कहाँ पे शेडो है कहाँ पे हाईलाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ करके। आपने इस तरह से शेडिंग करनी है काफ़ी स्लोली। तो
तो ये रियल टाइम में है, आप देख सकते हैं। तो इतना स्लोली शेड करना होता है। तो मैं अब आपको इसको पूरा शेड करके दिखाता हूँ, चेस्ट को, एंड उसके बाद इसको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। अब इसको ब्लेंड करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके। आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको टिश्यू पेपर से और भी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हो जाती है, बस आपको और ज़्यादा शेड करना पड़ेगा उसके बाद आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, बस लाइट पेंसिल से शेड करना है एंड उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। बस आपकी जो शेप है वो एक्यूरेट होनी चाहिए अपनी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी शेप एक्यूरेट है तो आप बिल्कुल लाइटली शेड एंड ब्लेंड करके उसको रियलिस्टिक लुक दे सकते हो। और हाँ, ड्राइंग पेपर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ड्राइंग पेपर आप अच्छा वाला यूज़ करो। मैं तो आइवरी यूज़ कर रहा हूँ, आप अच्छा वाला पेपर यूज़ करो, क्योंकि जो ड्राइंग पेपर होता है उसके ऊपर भी अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता अगर बेकार वाला ड्राइंग पेपर होगा तो। अब मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डार्क एरिया है, तो 8B पेंसिल से शेड कर लेंगे एंड उसको फिर ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके। अब मैं एब्स को उसी तरह से शेड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगा ब्लेंड करके। आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देखो, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क करना है एंड जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज़ करके शेड करना है एंड फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। काफ़ी इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। पहले मुझसे भी नहीं बन पाता था बट अब बन जाता है। बाय द वे ही इज़ टाइगर श्रॉफ एज़ यू ऑलरेडी नो, सो ही इज़ माई फेवरेट एंड आई लव टू ड्रॉ हिम। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस को ड्रॉ करने का ट्राई करो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ड्रॉ करके एंड आपको काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी उसको ड्रॉ करने में। सो मैं तो यही कहूँगा, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हैं उनको पहले ड्रॉ करो अगर आप बिगिनर हैं तो।
अब ये लाइटली शेड हो गया है एंड इसको आप ब्लेंड करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके। तो आप देखना मैं किस तरह से ब्लेंड करता हूँ इसको काफ़ी ईजीली। अब जो भी एब्स में डेप्थ वाला एरिया है डार्क वाला, तो वहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इसको फिर से ब्लेंड करेंगे तो इस हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी आपकी जो रेफरेंस फोटोग्राफ है उसमें कितना डार्क है, कहाँ पर कितना लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है उसको। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल स्मूथ स्किन वाला, तो आपको लाइट पेंसिल से जाना चाहिए। लाइट पेंसिल से शेड करो एंड फिर उसको ब्लेंड करो, फिर उसको दोबारा से वहीं पे शेड करो। उसी पेंसिल का यूज़ करके, ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ मत करो, उसी को दोबारा मतलब उसके ऊपर एक लेयर दूसरी लेयर चढ़ाओ एंड फिर उसके बाद उसको दोबारा ब्लेंड करो। ऐसे करने से वो काफ़ी स्मूथ लगेगा। अगर आप डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे तो वो डार्क लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लेयर का यूज़ कीजिए। हाईलाइट के लिए मैं इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी टाइप के इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर इरेज़र।
सो अब ये रियल टाइम में है, तो देख लेना मैं किस तरह से इसमें शेड करता हूँ। 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है टेक्सचर है जो। इसमें हम हाईलाइट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हाईलाइट हमारे फोटोग्राफ में होगी तो उससे ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। बस इसी मेथड का यूज़ करके हम पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। पेशेंस होगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने में मुझे लगा अराउंड 2.5 आवर लगा था मुझे इसको ड्रॉ करने में, ओनली शेड करने में। अभी मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड लाइटली शेड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइटली शेड कर रहा हूँ। स्पीड मैंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी अब की बार, वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है तो मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा बड़ी वीडियो। सो आप देख लो एंड ऑब्जर्व करो अच्छे से कि मैं किस तरह से शेड कर रहा हूँ एंड किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ।
गाइज मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ कि जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ, एंड जिस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। अभी हम इसमें काफ़ी डिटेलिंग्स एंड हाईलाइट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट को डिटेलिंग एंड छोटे छोटे पार्ट की शेडिंग वो हम कर सकते हैं इसमें अभी और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपने कुछ तो सीखा ही होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।